हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरटीडी को कैसे चेक किया जाता है, आरटीडी क्या होती है और इसको कैसे चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, जी मेरे पास आरटीडी है। आरटीडी का मींस होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। फ्रेंड्स, ये टेम्परेचर सेंसर है जो टेम्परेचर को सेंस करता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास PT100 आरटीडी है, इसके ऊपर भी लिखा होता है आरटीडी PT100। तो फ्रेंड्स, ये PT100 आरटीडी है मेरे पास। तो इसका मीनिंग, PT100 का क्या मीनिंग है कि 100 रेजिस्टेंस के ऊपर 0 डिग्री टेम्परेचर होती है। 100 डिग्री, सॉरी, 100 ओम रेजिस्टेंस के, 100 ओम रेजिस्टेंस पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री होता है। तो इसका इसलिए इसको PT100 कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्लैटिनम का, यहाँ पे जो इस साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्लैटिनम की दांत होती है जो के जहाँ जो टेम्परेचर को सेंस करती है। जैसे यहाँ पे जिस टेम्परेचर को हमने सेंस करना है यहाँ पे, तो ये प्लैटिनम की दांत है, तो हीट होने से उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है। तो जब रेजिस्टेंस चेंज होता है तो इसके अंदर जो 3 टर्मिनल होते हैं तो उनके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है, तो वो हम मेज़र कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके 3 टर्मिनल। ये इसके अंदर 3 टर्मिनल है। तो ये जो आप देख रहे हैं रेड वाला, ये रेड वाला है, ये दोनों वाइट वाले हैं। जो आपको वाइट वाले दिख रहे हैं ये दोनों नेगेटिव पॉइंट है फ्रेंड्स। ये जो रेड वाला है ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच जब हम चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम देखते हैं कितनी आ रही है इसके ऊपर। अभी अभी फ्रेंड्स, रूम टेम्परेचर को ये सेंस करेगा, अभी रूम टेम्परेचर को सेंस करेगा। उसके बाद हम इसको हीट देकर चेक करेंगे कितनी वैल्यू आ रही है। अभी हम रूम टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये इस मल्टीमीटर को मैं ओम पे सेलेक्ट कर लूँगा, ओम की वैल्यू पे सेलेक्ट कर लेना। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। तो ये मैंने जो नेगेटिव पॉइंट है इसका, ये वाइट वाला इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो इसके ऊपर मैंने ब्लैक वाली वायर लगा लेनी है। और ये इसका जो रेड वाला ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर मैंने रेड वाली मल्टीमीटर की वायर लगा लेनी है। अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, 113.2 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। अभी 113 से कम होगी, 113 ओम आ रही है। तो 113 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम इसको हीट कर कर देखेंगे इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है कि नहीं होती। चलो हम इसको हीट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हीटर है, हीटर की हेल्प से मैं इसको हीट करूँगा, हीट करके देखता हूँ। ये मेरे पास हीटर ही है जो सोर्स है जिससे मैं इसको हीट करके देखता हूँ। तो इससे बिल्कुल नज़दीक ले आकर हम इसको हीट कर रहे हैं। तो इसको हमने, तो फ्रेंड्स, हमने इसको हीट करके देख लिया। अब हम दोबारा इसकी जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो चेक करते हैं कितनी आ रही है। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं 120.120 हो गई है। अभी इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 120 हो गई है। तो इसका मतलब ये मेरी आरटीडी बिल्कुल सही काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, जेकर आपने यहाँ पे नहीं लगाया तो इस पे भी लगाकर आप चेक कर सकते हैं, तीनों टर्मिनल पे। ये देखिए, अब यहाँ पे भी लगाकर चेक करेंगे तो 118 पॉइंट कुछ आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है। कम इसीलिए हो रही है क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप आरटीडी को चेक कर सकते हैं। उसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी, जैसे जैसे आप इसको हीट अप्लाई करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो इसे आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक और आरटीडी है, ये दिखा देता हूँ, इस टाइप की आरटीडी है। तो इससे भी आप, इसमें भी आप देख रहे हैं, इसके में भी ये इसकी यहाँ पे इसके अंदर ऊपर भी लिखा होता है PT100। तो फ्रेंड, इसके 3 टर्मिनल है, ये रेड वाला पॉजिटिव है, ये दो जो वाइट वाले आपको दिख रहे हैं ये नेगेटिव पॉइंट है। तो आप एक जो मल्टीमीटर का पॉजिटिव वो पॉजिटिव पे रेड पे लगा लेना, पॉजिटिव पे लगा लेना, जो ब्लैक वाला वो नेगेटिव पे लगाना, किसी एक वाइट पे लगा कर देख लो। इस पे भी आप देखेंगे,
112.6 इसकी वैल्यू आ रही है। अभी इसको हम वाइट वाले इसको छोड़ देंगे, दूसरे पे लगा कर चेक करेंगे। हाँ तो इसकी वैल्यू भी फ्रेंड्स 112.113 आ रही है। तो फ्रेंड्स वाइट जो रेड वाली है प्रो, वो वाइट पे लगानी, जो मल्टीमीटर की रेड है वो आरटीडी की रेड पे ही लगानी है। तो जो ब्लैक वाली है वो वाइट के किसी, दोनों वाइट में किसी पे भी आप लगा सकते हो। तो क्योंकि दोनों जो वाइट है वो नेगेटिव की है, किसी पे भी लगा सकते हो आप। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों पे आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स एक बार का ध्यान रहे, दोनों वाइट पे आप लगाएंगे तो वैल्यू नहीं आएगी, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो नहीं आएगी, तो ये ध्यान रखें आप। तो फ्रेंड्स इसे आप ऐसे आप आरटीडी को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।